Badoos NGO. Akash ke papa ye gareeb hai. देखो आपका ऊपर ही डिपेंड है अगर आप चाहते हैं तो बच्चे लोग को अच्छा पढ़ाई करने का ऐसे देखो माँ जी आप यहीं पे रह रहे हैं बच्चे लोग को यहीं पे भी छोड़ने का ज़्यादा दूर तो है ही नहीं अभी देखो आपका सामने यही स्कूल है इधर स्कूल में पढ़ाने से आपको 30,000 रुपये मांगेंगे नहीं तो आप बच्चे आपको इज्जत नहीं मिलेगा लेकिन हमारा उधर ही क्या है थोड़ा आगे जाने से भरोसा स्कूल में बिल्कुल फ्री आप थोड़ा मजदूर करके देखो तो सही बच्चे लोग का कितना होशियार बन जाएंगे आपको सही देखो अभी जो आप जो मकान बना रहे हैं ना कहाँ पे घर पे मकान बनाने से आपको क्या करना पड़ता है पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ता है नहीं तो मकान गिर जाएगा इसीलिए बच्चों लोग को हमें फाउंडेशन स्ट्रांग करवा देते ये बच्चों देखो ये बेटा सब यहीं पे बैठने से कोई मतलब नहीं है उधर जाके बैठने से आराम से एबीसी सीखेंगे कंप्यूटर सीखेंगे यही होगा देखो ये भी बच्चे लोग ये भी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं ये भी जूनियर सोशल वर्कर है जूनियर भरोसा एनजीओ का जूनियर सोशल वर्कर है ये भी सेवा कर रहे हैं नहीं तो उनका मम्मी पापा भी अच्छा खानदान का फैमिली है वो भी कितने इसीलिए इतना दूर से धूप में कुछ सेवा करने के लिए आए उनका भी कुछ ऐसा ही है वो भी सोच रहे कि आपका पढ़ाई आप लोग हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ना वो लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग भी पढ़ाई बराबर आना चाहिए देखो ये मतलब नहीं है वो नहीं हो रहा भी अच्छे से वो नहीं आ रहा मेरे भी ये चीज भी नहीं है मैं ये बोल रहा था एक दिन नहीं दो तीन दिन तक के अंदर हम एक प्लान बनाएंगे अभी आके यहीं पे खाना बनाएंगे खाएंगे और एक ले लो ले लो बराबर है देखो आप सोचो ये बेटा आपका है ये बाल बच्चा आपका है मेरा कहने का हक नहीं है लेकिन अभी इधर ही इतना अच्छा पढ़ाई करे छोटा छोटा साहब स्कूल खोलो नहीं यार इधर अरे आप देखो तो सही बात है यार बच्चे को भर्ती करेंगे हां तो आप देख सुनो आपको कुछ नहीं आप मम्मी पापा का फोटो और बच्चों का हम एडमिशन करवा देते आपको एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा और तो आठ लड़कियां छह छोकरा है हां बस बस आठ बोले अलग अलग सुनो ऐसे ही देखो हां अच्छा लग रहा है ना हमारा मेन मकसद है बच्चों लोग का फाउंडेशन स्ट्रांग करवा देते हम जैसे मकान बनाना चाहते फाउंडेशन स्ट्रांग करते कि नहीं तो मकान गिर जाएगा इसीलिए बच्चों लोग को भी हम फाउंडेशन स्ट्रांग करवा देते जैसे कि आप 5-6 साल आपको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए उसके बाद आपको ध्यान देना जरूरत नहीं पड़ेगा वो अपना अपना कंप्यूटर सीख लेंगे कहाँ ऑफिस में जाके ड्यूटी करेंगे महीना में 17-18 हज़ार मिल जाएगा और आपको सुकून ये झोपड़ पट लेने का किराए में 2,000 ले लेगा और 5-7 हज़ार महीने में खर्चा आ जाएगा और 10,000 बच जाएगा देखो यही बच्चा देखो इतना अच्छा अच्छा दे रहा है काम करने का आपके कोई झोपड़ पट्टी में रहने हाँ बस ऐसे ही बच्चे बहुत काटते हैं सरकार आड़ी से हमारे भी कितना साल हो गए 10 साल वही है देखो आने का प्रॉब्लम नहीं होगा आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़े करेंगे तो हम सरपंच में बोल सकते हैं अरे यार उनका बाल बच्चा हमारे स्कूल में पढ़े करे उनका तो करंट का व्यवस्था करो नहीं तो पानी का व्यवस्था करो कुछ भी हम बोल सकते हैं लेकिन आपका पहले वो क्या सोचेगा अरे उनका बाल बच्चा तो ऐसे घूम रहे हैं हम उनको क्या सेवा देंगे क्या इलेक्ट्रिक देंगे क्या पानी देंगे बिजली देंगे इनके साथ साथ
मैं करता हूं उधर उधर से देखो हमरा 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 बात क्या है देखो हां बैठो नीचे बैठो देखो और एक चीज मैं आपको समझाऊं आपको आप जैसे हमारा बहन जैसे हमारा भाई जैसे और हमको कोई जरूरत नहीं है यहां आके आप बाल बच्चा पढ़े या ना पढ़े फिर भी ये हम इंसान मान इंसानियत मानते हैं हम हमारा बच्चा जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ना आपका बच्चा भी ऐसे पढ़ाई होना चाहिए हम ये मानते हैं आप जैसे खाना खाना खा रहे हैं ना हमारा उधर आके पढ़ाई करने का बाद आपको भी खाना भी मिलेगा ऐसा ऐसा कपड़ा भी मिल जाएगा थोड़ा सा आपको माइंड में ले लो टाइम से टाइम ज़्यादा तो दूर है ही नहीं पास ही है बारह रोड कितना दूर है आधा किलोमीटर भी नहीं होगा उधर इधर से पूरा रास्ता निकल के आराम से बच्चे को भेज दो छुट्टी के बाद मतलब रजा चल रहा है रजा उसके बाद एक तारीख से पूरा आपको स्कूल पे आ जाइए और स्कूल पे ज्वाइन करवा दीजिए बच्चे लोग का और आप पहले आप आके देखो तो सही कंप्यूटर में कैसे बच्चे लोग सीखते हैं हाँ कंप्यूटर का भी देखा है आपने लेकिन आजकल तो जमाना कंप्यूटर का जमाना है कंप्यूटर हाँ नहीं देखा है देखिए तो अभी देखो ये बैठा है ये देखो अच्छा देखो आप सही पढ़ाई करो हाँ अभी देखते देखते दो तीन साल निकल जाएगा वो कंप्यूटर देखो कौन काला है धोला है पीला कौन कौन सा क्या मालूम था पर चला से नहीं है लेकिन और आप बोल रहे वो कंप्यूटर चलाएंगे हम तो हाँ बस 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 ऐसे ऐसे अर्जुन आपको देखो ये बेटा क्या करेगा पता है आपको एमपी मध्य प्रदेश जाना है तो बेटा क्या करेगा पता है अपना अपना टिकट निकाल देगा मुझे पता है स्मार्ट दिख रहा है इसे पता चल गया क्या हुआ मोबाइल पे वो फोन पे हो जाए फोन से खाता नंबर से हां हो रही है तो मैं ये सब बातें जी मैं सिखाना था मुझे आप आइए कर भरे मिला मेरे घर ऐसे ही कुछ करो मोबाइल का नहीं मोबाइल की लग गया अपना मोबाइल हमें से स्ट्रांग हो जाएगा देखो हमारा भी कुछ मकसद है देखो हमारा भी कुछ मकसद है हम कहां से हम किस पे जाके हम बोल सकते हैं अरे हम इतना बच्चों को हम पढ़ा रहे तो हमारा वजह से वो बच्चे कुछ सीखता है सबको भी अच्छा लगेगा अरे उमेरा नहीं तो कोई पैसा देने वाला नहीं है कोई ये सब करने वाला नहीं है लेकिन हम ये शांत मिलेगा मन में ये शांत मिलेगा तो चलो हमारे लिए कुछ बाल बच्चों को कुछ पढ़ाया है और कुछ सिखाया है देखो अभी भी वक्त है एक तारीख से कैसे भी जाके बच्चे लोग आराम से आ जाए ये मत समझो ये बच्चे लोग को कुछ नहीं आ रहे हैं तो कैसे सीखेगा नहीं नहीं स्मार्ट सीखा हमको से भेजो वो तो ज़्यादा दूर नहीं है आज आप आने से पहले बाल बच्चे के साथ आप भी आइए देखिए कैसे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आपको अगर यकीन होगा तो नहीं बच्चे कुछ सीख रहे तो भेजेंगे अगर आप सोचेंगे नहीं बाल इधर बच्चे हम नहीं सीखने वाले नहीं भेजेंगे ठीक है ना ऐसे ही मैं ये बोलना था करेंगे जाएंगे स्कूल में पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर भी सीखेंगे और बीच बीच में हंसेंगे सलाह हंस रहे रे नहीं नहीं देता है वो आधा आधा हाथ उठा है हाथ उठा हाथ उठा हाथ उठा हम अच्छा पढ़े करेंगे भरोसा स्कूल में जाएंगे कंप्यूटर सीखेंगे अच्छा पढ़ाई करेंगे ये हमारा वादा हाँ वेरी गुड हाँ अंकल बोर्ड बोर्ड बोर्ड
सबको ये सारा चीज निकाल दो एक बार, एक फोटो लेके सरपंच काम दिखा सकते, सरपंच काम दिखाने से बोले हां ऐसे किया, इतना यहीं पे रह रहे, इनको पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, तो आपको हमारा साथ देना है। नहीं देखो 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 भाई, नहीं नहीं देखो भाई, ये बोलो ना, हम तो पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है। आकाश आ जा, दिन पास जाएंगे वजन ज्यादा ओए, मेरे को तू मेरे साथ कैमरा कर रहा था ना, कैमरा पोस्टा ऐ यार, ये देखिए मेरे साथ कैमरा मैन आकाश, देखो मैं बोल रहा था, देखो ये उनका मकसद यही है, अच्छा कपड़ा देने का, अच्छा खाना देने का, अच्छा पढ़ाई देने का, अच्छा कंप्यूटर सिखाने का, यही भरोसा यू का यही काम। आप अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना, बाल बच्चों को बहुत सुविधा मिल जाएगा। देखो आप ये देखो, आप लोग का थोड़ा सा माइंड में रखिए, हम तो यहीं पे रह रहे तो स्कूल तो पास ही है, देखते देखते पाँच साल निकल जाएगा, तब जाके हम भी याद करेंगे वो साहब ने आके क्या क्या कह रहे थे और अभी अब क्या हो रहा है। बाल बच्चों के लिए इतना मुनाफा मिल जाएगा, आप मत सोचिए, इतना मुनाफा मिलने वाला है। अभी थोड़ा सा आपको एक साल दो साल ऐसे दिक्कत होगा, अभी दो तीन महीने में, सुनिए बहन जी, सुनिए बहन जी, सुनिए बहन जी, अभी सुनो, अभी अभी